शाहरुख खान से जब अनुपम खेर के शो पर ये पूछा गया, कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी? इस पर शाहरुख खान का जवाब था, ऐसा होगा नहीं, I'm the last of the stars. आज 2022 में कहीं ना कहीं शाहरुख खान की ये प्रिडिक्शन सच हो रही है। सो लुकिंग बैक, इस सुपरस्टार कल्चर की शुरुआत हुई थी राजेश खन्ना के साथ। उन्हें इंडियन मूवी इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। राजेश खन्ना की एंट्री बॉलीवुड में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के थ्रू हुई थी। ही रोज टू इंस्टेंट नेशनल फेम थ्रू हिज मूवी आराधना। आराधना के बाद 1970 से लेकर 1975 तक एक एक कर उनकी जितनी भी मूवीज आई, उन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक के बाद एक उनकी 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर थी। व्हाटएवर ही वाज टचिंग वाज टर्निंग इनटू गोल्ड। द मास हिस्टीरिया अराउंड हिम वाज इनसेन। ना राजेश खन्ना के पहले या बाद भी किसी एक्टर को ऐसी सक्सेस मिली। How do you like stardom now you've got it? Who doesn't? लड़कियां उनकी पिक्चर से शादी करती थी, उनके कार की धूल से मांग भरती थी और प्रोड्यूसर्स कई किलोमीटर्स तक उनके घर के आगे लाइन लगाकर उन्हें साइन करने के लिए खड़े रहते थे। लोग कहते हैं कि जब वो अपनी कार लेकर निकलते थे तो लड़कियों की लिपस्टिक से उनकी व्हाइट कार पिंक हो जाती थी। पर उनकी ये स्टारडम ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। लेट 70s में आते आते लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे एंड दैट्स वेयर अमिताभ बच्चन केम इनटू पिक्चर, द एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन ने 1969 में अपना डेब्यू किया था। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से। अपने करियर के स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। He was seen as a failed newcomer with 12 flop films at age 30. उन्हें अपने breakthrough के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ा। फिर आई जंजीर। इस मूवी ने अमिताभ बच्चन की किस्मत पलट दी। मूवी एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद एक एक कर हिट की झड़ी लग गई। 1981 में उनकी 6 मूवीज गोल्डन जुबली हिट्स थी। मिड 1970s से लेकर 1980s इवन अर्ली 1990s तक अमिताभ बच्चन वाज अ वन मैन इंडस्ट्री। एंग्री यंग मैन तो बच्चन साहब ही थे। Absolutely. हम लोग तो हमारी तो पहुंच ही नहीं थी उतनी। 1982 में कूली मूवी की शूटिंग के दौरान ही हैड अ सीरियस इंजरी। इवन ईयर लेटर ही वाज डायग्नोस्ड विद अ न्यूरोमस्कुलर डिजीज। सो अमिताभ बच्चन ने मिड 80s में मूवी से ब्रेक लेकर पॉलिटिक्स में एंटर किया, पर 3 साल बाद फिर से उन्होंने मूवीज में वापसी की। अगेन उनकी मूवी शहंशाह हिट हुई, पर धीरे धीरे उनका स्टारडम फेड होने लगा। उनकी कुछ मूवीज हिट भी हुई पर कई फिल्में फ्लॉप होने लगी। उसके बाद उन्होंने 5 साल के लिए सेमी रिटायरमेंट ले लिया। उस वक्त उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की एंड कंपनी फेल्ड एंड ही लॉस्ट मिलियंस। 2000s में KBC और बाकी फिल्मों के साथ उन्होंने वापसी की एंड गेन्ड पॉपुलैरिटी। बट द स्टारडम बिटवीन 1975 टू 85 वाज नेवर फाउंड अगेन। इसके बाद एंट्री हुई 3 खान्स की। 1988 में आमिर खान की मूवी कयामत से कयामत तक रिलीज हुई और नेक्स्ट ईयर 1989 में आई सलमान खान की मूवी मैंने प्यार किया। उस वक्त तक लोग एंग्री यंग सिनेमा से थक चुके थे, उन्हें कुछ फ्रेश चाहिए था और ये मूवी एक फ्रेश ब्रीथ की तरह आई विथ यंग एंड न्यू फेसेस। बोथ सलमान एंड आमिर अपनी पहली फिल्म से स्टार बन चुके थे। जब तक सलमान और आमिर की बहुत फिल्में रिलीज हो चुकी थी, तब तक शाहरुख खान कहीं भी नहीं थे। वो तब तक टेलीविजन में ही काम कर रहे थे। आपकी अपनी दुकान है, जो जीता है वो दे दो। शाहरुख खान ने 1992 में दीवाना मूवी से डेब्यू किया। ही वॉज द लास्ट वन टू डेब्यू और मूवी इंडस्ट्री में एंट्री हो गई बादशाह की। मूवी इंडस्ट्री में बिना कोई कनेक्शन के शाहरुख खान अपनी स्टार्टिंग की कुछ फिल्मों से स्क्रीन पर छा गए थे। ही वॉज द रियल आउटसाइडर ऑफ बॉलीवुड। एक के बाद एक कई एंटी हीरो मूवीज में शाहरुख ने काम किया। डर, बाजीगर अंजाम एज अ न्यू कमर ये बहुत रिस्की मूव था, पर इसने SRK के फेवर में काम किया। मिस्टर शाहरुख खान, दिस वन फॉर यू मैम। करियर के शुरुआत में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी।
All three Khans were growing parallelly. But 1992 से लेकर almost 2010 तक शाहरुख खान ने single-handedly box office पर रूल किया. He had a humongous fan following. 60 times if he plays Raj in his films, it will be all the Raj will be very entertaining. उसकी style, उसके बाल सब अच्छे लगते. हालांकि शाहरुख खान ने as a anti-hero अपने करियर की शुरुआत की थी, पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उनकी जिंदगी बदल दी. शाहरुख खान ने as Raj लोगों का दिल जीत लिया. उन्होंने NRIs का भी इंडियन मूवीज में इंटरेस्ट जगाया और आउटसाइड इंडिया भी एक रेज बन गए. जर्मनी, यूके, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, शाहरुख बिकेम फेमस एवरीवेयर. सी आई अंडरस्टैंड टॉम क्रूज बीइंग लाइक्ड इन जर्मनी, ही इज एन इंटरनेशनल स्टार. आई डोंट अंडरस्टैंड मी बीइंग लाइक्ड इन जर्मनी. इस फिल्म ने उन्हें एज अ रोमांटिक हीरो एस्टैब्लिश कर दिया. फ्रॉम राहुल इन दिल तो पागल है एंड कुछ कुछ होता है टू राज इन मोहब्बतें एंड अमन इन कल हो ना हो, उनकी रोमांटिक फिल्म्स ने उन्हें लेडीज का हार्ट थ्रॉब बना दिया. इसके बाद वीर जारा, चक दे इंडिया, पहेली, स्वदेश, अशोका, डॉन, देवदास जैसी फिल्मों से शाहरुख खान ने अपनी वर्सेटैलिटी और एक्टिंग कैपेबिलिटीज का डिस्प्ले किया. बट शाहरुख खान की स्टारडम बस उनकी मूवीज की वजह से नहीं है. मोस्टली इट्स अबाउट हिज पर्सनैलिटी आउटसाइड द मूवीज. इफ आई कांट डू इट विद द स्किल एंड टैलेंट देन आई बेटर get into the hearts of people. शाहरुख खान बहुत ही genuine और down to earth है और लोग उनसे easily relate कर पाते हैं. Yes, I am good enough to be liked by people, but not so much. I am good enough to make money, but not so much. I am good enough to get awards, but not so many. और शायद लोग इसलिए उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं. पर somewhere around 2009-10 लोगों का romantic movies में interest खत्म होने लगा. Audience slowly mass और content oriented movies की तरफ shift होने लगी. इवन शाहरुख खान ने अपने रोल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, बट नन ऑफ द मूवी वर्क्ड दैट वेल. इस बीच 2009 में आई सलमान खान की मूवी वांटेड. इस मूवी ने सलमान खान के करियर का पूरा ग्राफ ही बदल दिया. इस मूवी के बाद सलमान खान बिकेम अ ब्लॉकबस्टर मशीन. सलमान खान की मूवीज ने जो बॉलीवुड में मास एंटरटेनर मूवीज की कमी थी उस गैप को भरा. उनकी मूवीज बस उनके नाम से ही चलने लगी. इसी बीच 2008 में आई आमिर खान की गजनी ने बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की शुरुआत कर दी. इसके बाद 2009 में 3 इडियट्स ने आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट बना दिया. आमिर खान की मूवीज ने कंसिस्टेंटली बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है. बॉलीवुड के हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से टॉप 10 में 4 से 5 आमिर खान की फिल्में हैं. बट आफ्टर 2018 स्लोली तीनों खान्स के बीच स्टारडम फेड होती नजर आ रही है. 1992 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों खान की फिल्में सेम ईयर में फ्लॉप हुई हों. कोविड, सोशल मीडिया और साउथ की फिल्मों ने आग में घी डालने का काम किया है. न्यू एक्टर्स जैसे कि वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह फेमस तो हैं, बट उनमें वो चार्म नहीं है जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाए. लोगों को अब एक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट है. बॉलीवुड हैज बिकम अ किंगडम विदाउट अ किंग. सो मे बी ऐसा हो सकता है कि शाहरुख खान ये बॉलीवुड के लास्ट सुपरस्टार हों. मे बी बॉलीवुड विल नेवर विटनेस दिस मैडनेस अगेन.